distinction. I got no love for the fakeness. So my name is Ankim P. Sharma. मैंने मेरा career martial arts में start किया था मैं जब 6 साल का था and then it started off from there. And in between बहुत सारे you know I got hurdles and I eventually ended up doing a lot of martial arts like started with kickboxing then taekwondo then muay thai kyokushin then MMA. So ये journey अभी भी है मैं carry on कर रहा हूँ. And after I graduated, I was like, you know, due to family pressure, I had to take a job. So मैंने वो job लिया. I was in Shillong for a year and a half. And then that didn't click. उसमें मेरे को वो चीज़ नहीं आया कि नहीं मेरे को ये करना है कि I took a risk. You know, before that also I was before the job also I was teaching into multiple places like taking small classes, privates and all. उसके बाद जैसे मैंने permanently एक job लिया, job लेने के बाद I was not satisfied with my life. I was like asking कि मुझे यही करना है या फिर I want to change. So if I want to do it, मुझे immediately decision लेना है. So मैंने वही किया कि I quit the job and मैं क्या किया था कि when I was doing the job in Shillong, every Friday इवनिंग आई यूज़ टू कम डाउन मैं गुवाहाटी आता हूँ सैटरडे संडे को ट्रेनिंग करता हूँ बच्चों को सिखाता हूँ एंड मंडे अर्ली मॉर्निंग आई गो एंड आई रीच ऑफिस एट 9 o'clock. सो दिस वॉज माई शेड्यूल फॉर 1.5 years. सो वीकेंड्स वेर ऑलवेज इन गुवाहाटी विथ मार्शल आर्ट्स. सो मैंने जब देखा कि द थिंग दैट आई लव मोस्ट एंड आई डोंट केयर अबाउट मनी और यू नो माई वेकेशन और एनी थिंग तो उसी को मैंने पैशन को ही मैंने को प्रोफेशन करना था एंड आई लव द जॉब. तो जॉब छोड़ने के बाद लॉट ऑफ थिंग्स हैपन जो एकेडमी में चला रहा था स्लोली स्टेडली ग्रो करना स्टार्ट किया एंड इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी दैट्स बी एमएमए. एंड उससे पहले और एक एकेडमी था दैट वाज एबी मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस उसको बंद करके मैं गया था वो जॉब के लिए. सो एनीवेज सो मैंने वो स्टार्ट किया. स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि मैंने मेरे सराउंडिंग में वही देखा था कि there were not proper dojos or instructors. Some things were lacking. I'm not saying कि वो लोग गलत है but according to me वो नहीं जा रहा था. According to me मुझे जो training चाहिए था मुझे जो platform चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था. So मैं जब भी class कराता हूँ I get a good feedback. सबको अच्छा लगता है कि सर मुझे ये करना है वो करना है एंड आई गो इन टू डिटेल. सर मेरे को स्पीड बढ़ाना है किक का. सर मेरा ब्लॉक्स नहीं ठीक है मेरा ये नहीं है वो नहीं है. सो आई इंडिविजुअली वर्क ऑन दोज फाइटर्स एंड क्लाइंट्स एंड आई गिव देम व्हाट दे नीड. उन लोग को वो भी मैं देता हूँ. सो उसके बाद उसका प्रोसेस बढ़ता गया वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते गए तो आई वॉज एसोसिएटेड विद दिस एंड दैट्स व्हाट देयर कम्स अ टर्निंग पॉइंट. सो मेरे लिए ऐसा है कि मार्शल आर्ट्स इज़ अ बिग चैप्टर एंड वहाँ पे अलग तरह का मार्शल आर्ट्स होता है जैसे लाइक यू नो स्टिक फाइटिंग हो गया ग्रैपलिंग हो गया स्ट्राइकिंग हो गया स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स हो गया जैसे स्पोर्ट्स कराटे हो गया यू नो टाइकोंडो आज़ाद है. सो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बट मुझे वही चूज़ करना था जो मैं कर रहा था दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कराटे स्टाइल दैट इज़ क्योकुशिन. तो मैंने उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया. Along with that, I was doing MMA. मेरा MMA भी चल रहा था. तो my base, if I say, I have mixed and evolved from Taekwondo, Kyokushin, and then I came to MMA. So मेरा जो ये base था ये base के आधार पर ही मैंने मेरे को form दिया MMA में and it really helped me. Because Kyokushin में क्या होता है the kicks are very strong and we kick to damage. That helped me to, you know, fight in MMA. एंड ये जो प्रोग्राम था कभी भी मुझे स्पोर्ट्स के ऊपर दो इट्स अ स्पोर्ट हम लोग इसका टूर्नामेंट होता है लेकिन मुझे वो चीज़ कभी अच्छा नहीं लगा जो मतलब सेमी कॉन्टेक्ट में जो होता है ना लाइक यू नो यू जस्ट प्ले एंड यू फाइट फॉर द पॉइंट्स यू नो यू टच एंड कम बैक सो यू डू नॉट डू डैमेज. आई अंडरस्टैंड दैट. सो ये अलग अलग होता है विजन बट वो ऐसा चीज़ था जो जिससे मुझे किक नहीं मिलता था. सो आई स्टार्टेड विथ क्योकुशिन एंड दैट वाज समथिंग विच हेल्प मी आउट. कराटे इन एमएमए ओके सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स इट्स गेटिंग वैनिश बहुत ही रेयर देखने को मिलता है. एंड कराटे अगर प्रॉपरली किया जाए ना
It's a very dangerous game. If we understand the roots of karate, before when it became commercial, karate had grappling, submission, everything was included there. But अभी उसको commercial बनाने के लिए एक system आ गया है. And वही चीज़ अभी हम लोग जैसे देखते हैं MMA में, बहुत सारे fighters हैं जो Kyokushin background से है, अलग अलग martial arts के background से हैं. But इसी चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए हमेशा कि जब भी हम एक मार्शल आर्ट चूज़ करते हैं, उसको तुम लाइक कितना दूर तक यू कैन टेक इट, हाउ मच यू कैन, इट्स नॉट अबाउट लाइक आपने वो चीज़ सीखा थोड़ा देर के बाद, नहीं मेरे को ये सीखना है, इट्स नॉट दैट. हाँ, तुम दूसरा वाला आर्ट सीखो, बट हैव यू गिवन योर 100% हियर? डू यू नो द रूट्स एंड द मीनिंग ऑफ इट? और यू आर जस्ट डूइंग बिकॉज आपके फ्रेंड नहीं आ रहे, इसीलिए मैं भी नहीं आ रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए. MMA में बहुत इम्प्लाई करता है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर मैं कराटे का बोलूँ तो स्ट्राइकिंग में आई नो वेयर टू प्रिसाइसली किक, मेरे को किक्स अगर डिफाइन करना है, स्ट्रेंथ लाना है, इट हेल्प्स मी. अगेन इन MMA देर इज मुआई थाई, बेसिकली स्ट्राइकिंग में मुआई थाई होता है. सो आई वोंट से दीज आर बोथ सिमिलर आर्ट, बट बोथ आर फुल कॉन्टेक्ट. तो फुल कॉन्टेक्ट में क्या होता है, येस इन Kyokushin वी डू नॉट हिट द फेस, हम लोग चेस्ट में पंच करते हैं, मुआई थाई में फेस पंचेस रहते हैं. सो वही में डिफरेंस आ जाता है. बट ये चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर कोच जो आपको डिफरेंशिएट करके देगा. इफ़ somebody इज डूइंग what आई सजेस्ट, अभी पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि दे आर डूइंग सेमी कॉन्टेक्ट, आई वोंट मैंशन एनी फॉर्म, बट सेमी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं. सेमी कॉन्टेक्ट से फुल कॉन्टेक्ट में आने के लिए इट टेक्स अ टाइम, बिकॉज सेमी कॉन्टेक्ट में ओके वी अंडरस्टैंड देर इज अ स्पीड, बट उसको फुल कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई ऑल्सो नो दैट अ स्टूडेंट गोज थ्रू अ स्ट्रगल. सो आपको अगर आपका गोल पता है कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपको क्या चाहिए, आप उसी तरह से ट्रेन कीजिए. बिकॉज आपका एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ एज होता है जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलता है, वेर यू डिवेलप योर यू नो मूवमेंट्स योर एवरीथिंग. सो उस टाइम पे आप लोग पिक कर लेते हैं इजीली एंड यू कैन चेंज एंड इवॉल्व. तो वो चीज़ वो प्राइम स्टेज है. उसी चीज़ में अगर आपने गलत कोचिंग ले लिया, गलत मार्शल आर्ट्स चूज कर दिया, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मार्शल आर्ट्स गलत है, लेकिन आपके नीच से नहीं मिलता है, आपका फ्यूचर अलग है, लेकिन आप गलत वाला आर्ट ले लिया, देन इट बिकम्स अ डिफिकल्टी फॉर यू, देन इवेंचुअली आप यू विल एंड अप कि नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं. बट दैट इज नॉट, एट एनी एज एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन चेंज. हाँ, वो टाइम ले सकता है थोड़ा बहुत, बट इट कैन चेंज. सो इफ यू से एनीबडी इज फ्रॉम कराटे और टाइकोंडो और एनी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स, इफ़ यू हैव अ गुड बैकग्राउंड यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट योर सेल्फ इन टू अ MMA फाइटर, बट यू नीड द प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचेस, प्रॉपर सराउंडिंग फॉर दैट. विद द टीम इट्स लाइक सी वॉट आई सी इज कि यहाँ पे ऐसे ऐसे टैलेंट है जो इट्स लाइक दे आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, जहाँ पे उनके पास टैलेंट है बट दे आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट. आई एम सीइंग गुड फाइटर्स बट दे आर जस्ट यू नो लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स, लैक ऑफ सपोर्ट, वो लोग अपना लाइन चेंज कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मार्शल आर्ट्स हियर, अभी ऐसा भी होता है बहुत सारे अलग अलग कर रहे हैं, मे बी समबडी इज डांस इन डांसिंग, समबडी इज इन म्यूजिक, आपका जो भी पैशन है आप उसको एक्सेल कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए. बट यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब एट दी एंड ऑफ द डे वो गिव अप कर देते हैं. बेसिकली ये होता है क्लास 9 में, एक बच्चा अगर 9 में आ जाता है, अभी 9 आ गया है, 2-3 साल बंद तुम्हारा ट्रेनिंग, तुम सिर्फ पढ़ाई करो. आई कैन गिव यू रिकॉर्ड्स लाइक यू नो आई हैव सीन दोज पीपल जिसने क्लास 9 में बंद कर दिया एंड ही वॉज डूइंग गुड, एंड उसके बाद आफ्टर 12 ही एंडेड अप डूइंग नथिंग, अभी ही डिडंट इवन गो टू कॉलेज ऑल्सो. सो आई नो बैक स्टोरी, अगर उस टाइम पे थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग कि यू आप पढ़ाई छोड़ दो, नहीं पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टमेटिकली. इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नहीं बोला कि 10 घंटे प्रैक्टिस करो लाइक अ प्रोफेशनल, 8 घंटे 9 घंटे, इट्स जस्ट अ मिनिमम 10-15 मिनट भी आप एवरी डे करते हैं, इट्स अनफ. सो दैट इज द थिंग. सो विद द टीम वॉट आई बिलीव इज दैट उन लोग को आगे ले जाना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना है. किसी का इंडिविजुअल अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है ट्रेनिंग में, फाइनेंशियली, वॉट एवर, आई एम ऑलवेज देयर एज अ कोच टू सपोर्ट देम. उनको जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ. लाइक वी हैव अ पॉलिसी कॉल नो कॉस्ट और लो कॉस्ट. अगर somebody इज नॉट बीइंग एबल टू पे देयर फी, वी आर रेडी टू टेक देम. एंड इफ somebody इज हैविंग लाइक सर आई हैव अ इशू विद दिस दैट, वी आर रेडी टू टॉक टू योर पेरेंट्स.
यू नो वी आर रेडी टू डू इट. वी मेरा विजन वही है कि हम लोग का जो टीम है एज अ टीम वी शुड ग्रो, वी शुड गिव यू द प्लेटफॉर्म, वी शुड गिव यू द मार्केट. वट वी डिडन गेट यू शुड गेट एंड यू शुड एक्सेल इन योर लाइफ एंड गेट अ लिविंग आउट ऑफ इट. अभी तो मेरे पास है फाइटर्स बहुत सारे, लेकिन अभी आज अभी ये जो टूर्नामेंट है इसमें खेलने के लिए रकीबुल है, इज अ वन लेगेड फाइटर एंड दिस गाय इज अमेजिंग आई एम टेल यू. सो ही स्टेज इन बर्नी हार्ट, लेकिन वो ट्रेनिंग जब होता है ही इज ऑलवेज देयर ऑन टाइम, ऑलवेज इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका बारिश है कुछ है ही विल बी देयर ऑन टाइम. सो एज अ कोच वॉट वी सी, हम लोग क्या देखते हैं कि यू नो दो बच्चे अगर आ गए, एक बच्चे ने पंचेस कर रहे ही इज़ नॉट गुड एंड एक वाओ सो गुड प्रिसाइज क्रिप्स मैंने एकदम बढ़िया है उसका पंचेस एंड सॉलिड है, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा ना, हम लोग क्या देखते हैं कि इज ही कोचेबल. अगर मैं वो बच्चे को जो एकदम अच्छा कर रहा है उसको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, इज ही टेकिंग इट ऑर नॉट. कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं सिखा रहा हूँ बट वो थोड़ा टाइम बाद 5-10 मिनट के बाद वो कुछ और कर रहा है. आई आस्क देम व्हाट डिड यू डू, नो सर ये मेरा हो गया, तो आई डिडंट गिव यू टू चेंज राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन. अगर किसी को करना है यू नीड टू अंडरस्टैंड माय यू नो सर्कल एंड देन यू नीड टू वर्क. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू इट, इट इज़ योर चॉइस, अदरवाइज यू कैन लीव, सिंपल. सो ये जो है मेरे जो फाइटर्स है फ्रॉम देयर आई पिक ओनली द पीपल हु आर कोचेबल. आई डू नॉट नीड द समवन हु इज इनडिसिप्लिन, हु इज एरोगेंट, हु हैज़ अ ईगो. यू नो द वर्स्ट थिंग इज़ अ ईगो. अगर आप एक फाइटर हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड आप एक्सेल कर रहे हैं, आपका नाम मार्केट में आ रहा है, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट ओ यू नो एक्स वाई जेड फाइटर इज रियली गुड. अरे वो फाइटर आएगा क्या, आप लोग का टीम का जो फाइटर था आएगा क्या, नहीं नहीं वो नहीं आ रहा है उसका इंजुरी है. यू शुड एज अ स्टूडेंट एज अ फाइटर यू नीड टू अंडरस्टैंड टू स्टे ऑलवेज हम्बल. इफ़ यू आर नॉट हम्बल यू कैनॉट बी सक्सेसफुल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो अभी रकीबुल इज समवन हु इज़ लाइक ऑलवेज constantly focusing on precise things. अगर उसके punches strong नहीं है, I take special care with his punches. उसके kicks नहीं है, he is now starting like to kick. He jump with the single leg and kick. So you can see his demo also. We have a video. And another one is Priyanshu. He's very young, very talented guy. This guy is like he's a dropout actually because of certain financial condition, but I am taking care of his everything, like you know fighting platforms and sponsoring him. Studies I am not looking right now. We are planning to put him in national open school so that he can you know. So I am trying to do that. So mere se jitna bhi banta hai, I am doing it for these students. And this guy is very talented, he is very fast, he is very you know he grips it everything very precisely. Usko jo bolte hai wo wahi karta hai. And whenever we are you know as a coach we are in the corner, hum log jaise bolte hain accordingly they start making the moves. So that's how we get to know how we are connected. So these guys are really amazing. You will see more fighters coming up in the future. And definitely ye possible tabhi ho sakta hai jaise aap jaise log, you know Vishal is a great friend of mine, so you guys are like doing the best thing for this team. And ye agar platform aise banta rahega, hum log bhi you know motivate honge to create more fighters and put it up on these platforms. So I don't know what others are doing right now. वो लोगों का practice का pattern कैसा है मुझे पता नहीं, but I know about myself that I am putting my best for my team and I'm gonna bring the best out of it and let's see what happens over there. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.